अरे सर दूर रहो सिंह, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सबको ये दोनों शब्द हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। देखिए, जो आमिर ने कहा है कि ऐसी किताब छपना हम लोगों के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं और हमारा जो पास्ट है, जो हमारा पूरी हिस्ट्री, जो जिसकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं, वो हम भूल जाते हैं। तो ये सब जो अपनी हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड है इन 100 ईयर्स में, और मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने आज गाने सुनाए और जो इन्होंने कहानी सुनाई महबूब खान की, कैसे औरत फिल्म और कैसे मदर इंडिया फिल्म का एंड हुआ, ये हमारे लिए इट्स अ मैटर ऑफ लर्निंग फॉर अस, इट्स एजुकेशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर प्रिंटिंग दिस बुक। शुक्रिया अनिल जी, आप दो शब्द हैं प्लीज। बस मैं, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मेरी आमिर साहब से बात हो रही थी और बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं खास जिमखाना जा रहा हूँ और एक बुक का उद्घाटन करने वाला हूँ और सागर मूवी टोन, और जैसे उन्होंने कहा कि पता नहीं ये गलती से बची तो मुझे लगा कि नहीं मुझे जाना चाहिए, और उन्होंने कहा कि 7 बजे बने, मैं 7:15 तक आ जाऊँ, उन्होंने तो 7 बजे शाम पहुँचना है, टाइम के बड़े वेरी 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 पंक्चुअल, तो मैं जो हूँ 7:45 पहुँच गया और 7:45 पहुंचा, फिर मैं बाहर बैठा, फिर मैं अंदर आया और जब मैंने यहाँ का एक होता ना कि जैसे जब आते हैं तो एक आपको एक अंदर से एक आवाज़ आती है, एक फीलिंग होती है, एक जैसे वी से देयर इज अ सोल इन, देयर इज समथिंग व्हिच इज़ वेरी स्पेशल। और जब मैं सुन रहा था कि कभी कभी यू नो इतिहास लिखा जाता है और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में कभी कभी हम लोग भी कभी कभी भूल जाते हैं, और जब जिसने कुछ कंट्रीब्यूट किया होता है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जो टैलेंट होता है जिसने कुछ किया होता है ऐसी चीज़ हो जाती है, जैसे ये किताब है, जैसे हम लोग सब आज मिले हैं और जो हमको आज सीखने को मिला है, सुनने को मिला है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा माहौल, ये माहौल ऊपर वाला करता है, और मुझे लगता है कि आज ये जो चीज़ हुई है इसमें कहीं ना कहीं एक चिवन लाल जी देसाई साहब ने ये सब कुछ किया है मुझे लगता है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी मूव्ड टू बी हियर एंड वेरी एक्साइटेड विद दिस बुक। थैंक यू वेरी मच। मैंने, शुक्रिया अनिल जी, मैंने आपको सुरेंद्र जी के कई किस्से यहाँ पर सुनाए हैं, उनके बेटे कैलाश जी यहाँ मौजूद हैं, उनसे आमिर साहब ने कहा है, और वो जिस चीज़ पे दृष्टि डालते हैं या जिस चीज़ पे उनको लगता है कि ये वर्थिट है, वो ऐसा हम लोगों को बिलीव है कि आमिर जो है कोई भी चीज़ से जुड़ते हैं तो उसमें शायद कुछ देखते हैं। तो लेकिन यहाँ आकर मुझे लगा कि शायद मुझे स्वतः ही यहाँ आना चाहिए था, क्योंकि ये एक